अदंत डॉक्टर प्रज्ञानंद का प्रयाण। 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दीक्षा देने वाले 5 भिक्षुओं में भदंत डॉक्टर प्रज्ञानंद भी थे। बाबा साहब को बुद्ध धम्म की दीक्षा देने वाले भिक्षु प्रज्ञानंद का प्रयाण हो गया है। 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति के साक्षी रहे भदंत डॉक्टर प्रज्ञानंद का जन्म श्रीलंका में हुआ था। सन 1942 में भदंत डॉक्टर प्रज्ञानंद भारत आ गए थे। 14 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर में बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, तब उन्हें बुद्ध धम्म की दीक्षा देने वाले पूज्य भदंत गुरु चंद्रमणि के साथ भिक्षु संघ में भदंत डॉक्टर प्रज्ञानंद भी थे। भदंत डॉक्टर प्रज्ञानंद उस समय दीक्षा समारोह में शामिल होने वाले सभी भिक्षुओं में सबसे कम उम्र के थे। वर्तमान में भदंत डॉक्टर प्रज्ञानंद का लखनऊ के रिसालदार पार्क स्थित बुद्ध विहार में वास्तव्य था। लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में भदंत डॉक्टर प्रज्ञानंद का प्रयाण हुआ है। भदंत डॉक्टर प्रज्ञानंद के प्रयाण से नागपुर की धम्म क्रांति का एक साक्षी आज जुदा हो गया है। आवाज इंडिया परिवार भदंत डॉक्टर प्रज्ञानंद के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।